नमस्कार दोस्तों, अभी मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ जबलपुर शहर से मध्य प्रदेश में। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके पास आपके शहर में आऊँ तो आप मुझे बता सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस लेसन में हम सीखेंगे जो कृष्ण जी का भजन है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जो आने वाली जन्माष्टमी है। आप उसमें सीख के प्ले कर सकते हैं और ख़ुद को अच्छा महसूस करवा सकते हैं। तो एक बार सुना देता हूँ धुन और फिर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपको प्ले करना है। ये फ्लूट है F मीडियम स्केल की, शिव्स म्यूजिक फ्लूट मेरी ही कंपनी की है और जो मेरा नया बैच है वो 15 तारीख से शुरू होने वाला है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से कुछ धुन है। जो आपको फर्स्ट नोट लेना है यानी कि उठाना है वो प नोट से उठाना है। हम जानते हैं कि 3 ऑक्टेव्स हम प्ले कर सकते हैं। जो लो ऑक्टेव का प नोट है वहां से आपको उठाना है इस फ्लूट में, प से उठाकर आपको जंप करना है सा। ये होता है प। 3 होल जब हम क्लोज करेंगे 3 फ्रीक्वेंसी में हम प प्ले कर सकते हैं, लेकिन आपको सबसे लो फ्रीक्वेंसी वाला प्ले करना है ताकि वो लो ऑक्टेव में साउंड सुनाई दे। तो प से जंप करके आपको सीधा आना है सा पर। प सा सा श्री कृष्ण, प सा सा, प सा सा श्री कृष्ण, ये स्टार्टिंग नोट है। इसके बाद श्री कृष्ण यहां तक हुआ, इसके बाद फिर से गोविंद। गोविंद पर भी आपको सा नोट प्ले करना है 3 बार। सा 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 श्री कृष्ण गोविंद। अब जब कोई भी नोट आप 2 या 3 बार या फिर उससे चाहे और टाइम्स आप प्ले करते हैं तो वहां पर आपको फिंगर चेंज नहीं करना है, फिंगर की पोजीशन चेंज नहीं करनी है। आपको सिर्फ ब्लोइंग में इस तरीके से स्ट्रोक्स देने हैं। जितने स्ट्रोक्स देंगे उतने झटके आपके हाथ पर लगेंगे। आप ये ट्राई कर सकते हैं ताकि आप सही प्ले कर रहे हैं या फिर नहीं। फिर से देखते हैं। सा 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 श्री कृष्ण गोविंद, यहां तक हुआ। इसके बाद हरे हरे सा सा गा सा गा, सा से आपको जंप करना है ग पर। हरे सा गा रे गा। अब कुछ चीज होती है ऑर्नामेंटेशन, अगर आपको नहीं मालूम तो आप मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं, फिर बैच ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस अटेंड करने के लिए और जो बारीकियां होती हैं अपने फ्लूट म्यूजिक में उसको जानने के लिए। तो आप देखेंगे सा के बाद आपको जंप करना है ग पर, लेकिन उसमें स्मूथनेस लाने के लिए ताकि वो मधुर लगे साउंड में। तो वहां पर आप हल्का सा कड़स्वर का प्रयोग कीजिए, हल्का सा मींड प्रयोग कीजिए। तो ये सब आपको प्रयोग करना है। तो देखिए किस तरीके से। सागरे गारे सानी हरे मुरारी, इसके बाद हे नाथ नीरे रे हे नाथ, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आपको नोटेशंस रटने नहीं है,
आपको खुद से ट्राई कर करके देखना है। जो नोट्स हैं उनको आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, एक नोट बजाइए, उसके बाद फिर रे बजा के देखिए, उसके पहले नी बजा के देखिए किस तरीके का साउंड निकल के आ रहा है। तो जैसे जैसे आप ऑब्जर्व करते हैं नोट्स को, म्यूजिक को, तो वैसे वैसे आप सीखते जाएंगे, आपको आइडिया लगने लगेगा कि कहाँ पर म्यूजिक जो है हाई फ्रिक्वेंसी की साइड जा रहा है और कहाँ पर म्यूजिक जो है वो लो फ्रिक्वेंसी की साइड जा रहा है। इन्हीं हाई और लो से बनता है अपना म्यूजिक, अपनी धुन। तो इसी तरीके से आपको पहचानना है। एक बार फिर से स्लो मोशन में दिखा देता हूँ किस तरीके से। वासुदेवा। अब अगर आपको सरगम प्ले करना आता है तो आप पहचान गए होंगे कौन कौन से नोट्स है। तो ये आपके लिए होमवर्क है और आप प्ले करके मुझे बताइए, मेरे व्हाट्सएप पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि आपको बजाना आया या नहीं आया या फिर कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। इसके बाद जो इसका अंतरा है वो देख लेते हैं। वो आपको उठाना है ग नोट से। यह है सा, यह है रे और यह है ग। तो यहाँ से ग नोट से उठा के आपको जंप करना है प नोट पर। ये हो गया ग, और प पर हम सारे होल्स क्लोज करेंगे। पीछे थोड़ा नॉइस आ रहा है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये ओपन प्लेस है, जबलपुर में शूट कर रहा हूँ। पीछे ही इसके बैलेंसिंग रॉक है मोबाइल के पीछे, आपने सुना होगा, जहाँ पर दो पत्थर एक के ऊपर एक चट्टानें रखी रहती हैं, लेकिन वो कुदरत का कमाल है। आपको उठाना है ग से प नोट पर। ग प प प प। अब यहाँ पर फिर से मल्टीपल टाइम्स नोट रिपीट हो रही हैं, तो वहाँ पर आपको स्ट्रोक्स देने हैं। ग प प प प प प ध म ग ग रे, ठीक है। इस तरीके से आपको वापस लौट के मुखड़े के जो धुन है उस पर लौट के आ जाना है। फिर से जो हमने सीखा था वही रिपीट होगा। तो इस तरीके से आप ये धुन निकालने की कोशिश कीजिए। मैं सारे नोट्स एकदम एग्जैक्टली नहीं बताता हूँ, ताकि आप थोड़े से कुछ ना कुछ अपने आप से सीखें और उसको इम्प्रोवाइज करें, है ना। जितना आप खुद से एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितना आप ट्राई करेंगे उसको आगे पीछे करने का, नोट्स को उसमें ऑर्नामेंटेशंस यूज़ करने का, तो वैसे वैसे धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को आपको जीना पड़ेगा। इसको आपको अगर सीखने की इच्छा है तो आपको पर डे जितना भी आप प्रैक्टिस करते हैं पूरे मन से कीजिए, तभी आप सीख पाएंगे। आप अगर और डिटेल्स चाहते हैं मेरे कोर्सेज के बारे में तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।